फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्हाट्स रेसिपी चैनल। आज हम गुजराती दाल बना रहे हैं। इसके लिए हमने ली है तुअर की दाल। तो इसे हम अच्छी तरह से पानी से, तीन चार पानी से धो लेते हैं। अब इसे चार पांच पानी से धो लिया है तो इसमें डालते हैं नमक। हल्दी साथ में डाल देंगे, पानी इसे मिक्स कर देंगे और इसमें डालते हैं घी। अभी इसे हम करते हैं कुकर में शिफ्ट। अभी इसे करते हैं कवर और करते हैं गैस के पास। अभी इसे मीडियम आंच पे तीन विसल तक इसे होने देते हैं। उसके बाद ठंडा हो जाने के बाद फिर से मैं आपको बताऊं। अभी कुकर हमारा ठंडा हो गया है, ये देखिए। ये देखिए दाल हमारी बढ़िया सी हो गई है। तो इसे हम दूसरे इसमें निकाल लेते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं इस तरह। ये अच्छी तरह से बन गई है, ये देखिए। अभी इसमें हम डालते हैं पानी। और थोड़ा सा पानी यूज करेंगे। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालते हैं एक टेबलस्पून इतना ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो उसमें डालते हैं आधा टीस्पून जितनी राई, आधा टीस्पून जितना जीरा और आधा टीस्पून जितनी मेथी। जैसे हमारा तड़का रेडी होना स्टार्ट हो जाता है तब इसमें डालते हैं दो सूखी लाल मिर्च, करी लीव्स, दो तीन लौंग और ब्लैक पेपर, साथ में डालते दो टमाटर, अभी टमाटर को हमें पूरा सॉफ्ट ही करना है। पहले हम इसे चला लेते हैं, उसके बाद इसमें डालते हैं हींग, धना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे हम चला लेते हैं। अभी ये रेडी हो गया है तो इसे हम जो हमने इसमें दाल निकाली उसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि जो जितना मसाला है वो वापस इसे हम चला लेते हैं। ये देखिए अब इसमें डालेंगे गुड़। इसमें डाल रही हूँ दो टेबलस्पून जितना गुड़। वापस इसे चला देते हैं। इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब
और इसे हम अच्छी तरह से उबलने देते हैं। नमक हम अगर टेस्ट करेंगे अगर लगेगा तो डालेंगे, वरना हमने पहले ही डाला है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला, नमक कम है तो नमक भी हम डाल देंगे। इसे चला लेते हैं और इसमें हम डालते हैं नींबू। वापस इसे हम चला लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से उबाला लेते हैं। देखिए अभी उबालना स्टार्ट हो गया था, इसे हम चला लेते हैं और इसे हम 2-3 मिनट इसी तरह से उबालेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और हमारी जो दाल है वो परफेक्ट बने और टेस्टी बने। हम गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से उबालेंगे। देखिए दाल को उबाल बढ़िया तरीके से आ गया है, ये देखिए। तो अभी इसे हम नीचे उतार लेते हैं और सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारी दाल बन गई है, तो इसे अब हमें सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। ये देखिए इस तरह आप इसे चावल के साथ बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इसे आपको और भी गाढ़ी चाहिए तो आप इसे गाढ़ी बना सकते हो, पर ये जो मैंने बनाई है वो परफेक्ट है क्योंकि चावल के साथ ये जल्दी सोख हो जाती है, तो मैंने इस तरह से इसे बनाया है। अभी हम करते हैं ट्रांसफर। ये देखिए इस तरह से बनाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।